गाइज वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज स्वाति एंड टूडे आई एम गोइंग टू शो यू गाइज एमेजॉन रैंडम हॉल इससे पहले भी मैंने ना एक अमेजॉन रैंडम फाइंड्स काइंड ऑफ हॉल किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो डोंट वॉगेट टू चेक आउट चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ माई मोस्ट फेवरेट कप ऑफ दिस टाइम इज दिस वन पूरा महीना मैंने इसी में पानी पिया है सारे ड्रिंक्स जितने भी मैं बनाती हूँ या फिर लेमनेड हो गया या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह हो गया सब कुछ मैंने इसमें पिया है एंड दीज लुक्स फ्रिकिंग गुड बहुत ज़्यादा ऑसम एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं अगर आप यहाँ पे पास से देखोगे तो यहाँ पे ना आपको ऐसे वर्टिकल डिज़ाइंस मिलेंगे लाइन लाइन शॉट ऑफ में एंड ये वाले ग्लासेज ना आजकल बड़े ही ट्रेंड में है इसका ना सेट ऑफ टू आता है एक धोने में डाल रखा है जैसे मैंने बोला कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो ये दोनों आते हैं ग्लास स्ट्रॉ के साथ ये यहाँ पे ग्लास का स्ट्रॉ दिया हुआ है दिस इज़ नॉट प्लास्टिक अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको एक तो ये यहाँ पर सिपर मिल जाएगा ये आप इसको ऐसे ओपन करके यहाँ से पी सकते हो या फिर यहाँ से आप स्ट्रॉ डाल के पी सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस ये ग्लास की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ही ज़्यादा स्टडी ग्लास है अगर आपको वो उसका लिड नहीं लगाना एंड स्ट्रॉ के साथ नहीं पीना है तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासिक भी लगेगा ये लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड प्रोडक्ट सारे के सारे रेंडम आइटम होने वाले हैं तो अपन कोई भी ऑर्डर में जाते हैं लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड प्रोडक्ट तो ये है मैग्नेटिक ईयरफोन कॉर्ड वाइंडर बेसिकली जो ईयरफोन्स हैं अगर आपके पास वायर्ड वाले आजकल तो वायर्ड वाले बहुत ही कम लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर फिर भी हैं या फिर जो वायर्स होते हैं फ़ोन चार्जिंग जो केबल्स होती हैं उनके लिए है ये एंड दीज आर ऑफ मैगनेट ऐसे हैं बहुत ही छोटू सा है ये मेरे तो ना सारे ऐसे टैंगल हो जाते हैं और फिर उसको डिटेंगल करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज आई एम क्लमजी दैट इट हैपन्स विद मी सो ये उसके लिए मदद करेंगे आप इसको आराम से ऐसे वायर करके रख दो एंड देन यहाँ से आपको ये सी दैट मैग्नेट ये इतना काफी स्ट्रांग मैग्नेट है यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा एंड डिटेंगल्ड रहेंगे वो टेंगल्ड नहीं होंगे ये आते हैं पीस ऑफ थ्री में बाय द वे ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी लेट्स मूव ऑन टू आर थर्ड प्रोडक्ट व्हिच इज दिस वन ये बेसिकली है अगर आप हवन कप वगैरह जलाते हैं तो मुझे तो बहुत ही पसंद है एवरी मंडे आई यूज्ड टू बर्न दोज हवन कप्स तो उनके लिए है इसमें आप यहाँ पे एक ऐसा हैंडल दिया हुआ है ये वुडन का हैंडल है एंड ये बेसिकली टिन का है यहाँ पे आप वो हवन का रख दोगे एंड देन इसके लिड पर ना यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से होल दिए हुए हैं तो उसमें से ना बहुत ही अच्छा वो धुआ जाता हुआ थोड़े एस्थेटिक वीडियोस अगर आपको बनाने हैं धुआ जाता है एंड स्लोमो वगैरह काइंड ऑफ तो आप वो बना सकते हो बट बेसिकली दिस इज वेरी यूजफुल मैं इसको लास्ट टू या फिर वन मंथ के अराउंड शायद से मैंने लिया था तब से यूज कर रही हूँ एंड दिस इज वेरी नाइस तो ये ना नीचे से थोड़ा सा ऊंचा है अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे बेस है किसी भी चीज के ऊपर रख दोगे तो वो मेल्ट नहीं होगी या फिर जलेगी वगैरह नहीं लेट्स में बहुत ही स्टेनलेस स्टील की है अगर आप इसमें यहाँ पे खोलकर देखोगे अंदर तो इसमें आपको स्टील दिखेगा बट स्टील एंड बाहर वाली कोटिंग के बीच में ना यहाँ पे कॉपर की कोटिंग भी है जिससे पानी काफी सही रहता है एंड बाय द वे वैक्यूम इंसुलेटेड जिसके से चार से पांच घंटे तक ना इसमें पानी एकदम ठंडा रहता and then यहां पे ये सिपर दिया है क्लीनिंग के परपज से भी ना बहुत सही है आराम से क्लीन हो जाते है कोई झंझट नहीं है कहीं पर क्लीन करने में पांच छह बार ना मैं इसको गिरा भी चुकी हूँ लेकिन अब तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा है लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोडक्ट which is are uh, these क्लोदिंग से रिलेटेड वाले प्रोडक्ट दिखा देती हूँ तो मैंने ये हैंगर ऑर्डर किए थे ये आते हैं सेट ऑफ टेन में भी आते हैं सेट ऑफ ट्वेंटी में भी आते हैं सो आई हैव है फॉर सेट ऑफ ट्वेंटी बिकॉज मुझे अपना पूरा वॉड्रोब ऑर्गेनाइज करना था तो इनको मैं क्यों दिखा रही हूं मैं बताती हूँ क्योंकि ये है एंटी स्लिप अगर आपको कोई भी ऐसा कपड़ा है जो सेटन का है या सिल्क का है ना कोई भी टॉप है तो वो ऐसे नॉर्मल हैंगर से गिर जाता है बट इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इन्होंने यहाँ पे एंटी ग्रिप दे रखा है जिसकी वजह से आपके कपड़े गिरेंगे नहीं एंड काफी पता से होंगे स्टडी हैं जिस हिसाब आपका प्राइस है ना उस हिसाब से सही है और वैसे भी आपको हैंगर पे क्या कुश्ती कोई लड़नी है से। किसी को मारना भी नहीं है कि ये टूट जाएंगे बट दिस इज ऑफ रियली नाइस क्वालिटी आई हाईली रिकमेंड दिस वन अगर आपको बजट में ज्यादा हैंगर चाहिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वॉड्रॉप ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो मैंने मंगवाया था ये वॉड्रॉप ऑर्गेनाइजर इसमें यहाँ पे आपको मेरे ड्रेसेस भी दिख रहे होंगे इसमें पांच कंपार्टमेंट हैं एंड ऐसे मैंने ऑर्डर किए थे चार ऑर्डर किए थे मैंने दीज आर क्वाइट यूज़फुल इनकी वजह से ना सारी ड्रेसेज एक तो मेरे को पता होती हैं कि मेरी कहाँ पर हैं पहले मैं ऐसे भर के रख देती थी, थी और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था मेरी ड्रेसेस कहाँ पर कौन सी पहनूँ बट दिस आर वेरी यूज़फुल लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर कपड़ों की बात करते हैं तो मेरे पास ना यहाँ पे एक ज्वेलरी आइटम भी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा अगर किसी ने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी होगी ना उसमें शायद से मैंने ये इयर ये पहने थे या फिर मैंने अमेजोन का ही रैंडम हॉल किया था उसमें मैंने ये इयर ये पहने थे एंड दीज आर रियली ब्यूटिफुल ऐसे झुमके वाले ईयर हैं अगर आप इनको पास से देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ पे नीचे आपको झुमकियाँ मिलेंगी एंड ऊपर यहाँ पे पर्ल का काम हुआ हुआ है पहनने के बाद बहुत ज्यादा प्यारा लगता है पीछे ना यहाँ पे हुक दिया हुआ है तो वो तो कान के ऐसे पीछे चले जाएगा एंड फ्रंट में आपको सिर्फ ये मोतियों वाली चीज दिखेगी यहाँ पे पर्ल वाला काम एंड ये झुमका दिखेगा इसका कलर गोल्डन एंड मजेंटा पिंक सॉर्ट ऑफ है बट इट लुक्स रियली नाइस एंड ब्यूटिफुल एथनिक के साथ बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इतना ज्यादा भारी नहीं है कि वगैरह में दर्द हो जाएगा वैसा नहीं है मैंने पांच छह बार पहना है इसकी क्वालिटी इसका जो गोल्डन कलर है वो भी ऐसा नहीं हुआ है कि ब्लैक हो गया एकदम इंटैक्ट है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ही मुझे फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइजर्स चाहिए थे तो सबसे पहले तो मैंने मंगवाए ये सेट ऑफ 4 में आते हैं तो ये हैं ऐसे आप वेजिटेबल्स वगैरह या फिर कट करके सूप वगैरह के लिए वेजिटेबल्स रखनी है वैसे रख सकते हो तो ये है मीडियम साइज वाला इससे भी बड़ा एक है एंड इससे एक और शायद से एक छोटा और आता तीन का ही सेट था तो यहाँ पे ये अलग हो जाता है ऐसे आपको ये जाली मिल जाती है एंड ये कंटेनर है तो आपको दो तरीके से काम कर सकते हो इसमें आप सब्जियाँ धो के एंड रख दो तो जो सारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा एंड नॉर्मल आप इसको एज अ बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको फ्रिज के लिए यूज़ नहीं करना है तो मैं तो बेसिकली इसको फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स फ्रेश रहते हैं नहीं तो ज़्यादा पॉलिथिन वगैरह में रखते हैं तो वो गलने लग जाते हैं बट इनमें नहीं गलते हैं तो ये मीडियम साइज़ है एंड सबसे बड़ा साइज़ आता है ये वाला काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका भी एंड इससे एक छोटा वाला आता है उसमें आप नॉर्मली अदरक वगैरह रख सकते हो इतना बड़ा साइज मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ है इसलिए इसकी ओपन नहीं किया है लेट मी ओपन दिस वन जिस दिन मैंने ये ऑर्डर किया था ना उस दिन ऑफर चल रहा था कि अगर आप सेट ऑफ़ फोर ऑर्डर करते हो तो भी उसी प्राइस में था एंड सेट ऑफ़ फ़ाइव ऑर्डर करते हो तो भी उसी प्राइस में था सॉरी सेट ऑफ़ फोर ऑर्डर करते हो तो भी उसी प्राइस में था एंड सेट ऑफ सिक्स ऑर्डर करते हो तो वो भी उसी प्राइस में था तो मैंने सोचा सेट ऑफ सिक्स ही कर लेते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी दो हैं ये एंड दिस इज़ हाउ ऐसे वर्टिकल में है मतलब ये स्क्वायर नहीं है तो आराम से आपके फ्रिज में एडजस्ट हो जाते हैं इसमें मैं बेसिकली रखती हूँ कैप्सिकम रख लिया या फिर बीन्स आती हैं या आ, धनिया वगैरह आता है तो उसमें आप इसमें रख सकते हो एंड बहुत ही कम ये जगह लेते हैं स्ट्रेकेबल हैं आप एक के ऊपर एक आराम से इनको रख दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ऐसे आप सारे के सारे वेजिटेबल्स कम स्पेस में अपने फ्रिज में एडजस्ट कर सकते हो सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको कोई भी आइटम पसंद आया तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां पे हॉल पैक करना एक सिंगल लिंक होगा अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं उसके लिंक अवेलेबल हो जाएंगे इफ यू लाइक मोर सच देन सर्च वीडियोजों सब्सक्राइब टू माई चैनल आई पोस्ट एवरी थर्सडे शार्प एट अलेवन मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय